हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक चार्टर्ड इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप उसका यूज़ करते हुए, अपनी डिग्री का यूज़ करते हुए अपने लिए एक बिज़नेस कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं फ्रेशर लेवल पे, और उसी के साथ साथ अपना बिज़नेस ग्रो कैसे कर सकते हैं या फिर अपने लिए एक इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हमारा वीडियो रहने वाला है कि आखिर चार्टर्ड इंजीनियर होता क्या है, इसके सर्टिफिकेशंस हमें कहां कहां से मिलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसी के अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेन चीज़ इसके नुकसान क्या हैं, इसमें कुल मिला के पैसे कितने लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या यहां पे एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये कब तक वैलिड रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है थ्रू प्रॉपर चैनल। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ आज के अपने वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड इंजीनियर, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैब्लिश योर ओन बिजनेस एट अ फ्रेशर लेवल, देन दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिना टाइम वेस्ट करते अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है AD सिंह, आप सबको पता होगा, ये हमारा सेकेंड चैनल है करियर डेस्टिनेशन बाय AD सिंह। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आप सबसे लास्ट में पूछा था कि आप में से कौन कौन बच्चे जानना चाहते हैं कि एक चार्टर्ड इंजीनियर कैसे बना जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसका अच्छा फीडबैक आया था और उसी को चलते हुए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दैट हाउ टू बी अ चार्टर्ड इंजीनियर। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं, फ़ायदे और नुकसान मैं दोनों ही आपको बताऊँगा। इसीलिए अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे या छोड़ के देखोगे या नहीं देखोगे या फिर अगर आधा ही देख के सीधे जाके अप्लाई कर दोगे तो आप सारी बातें यहाँ पे नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ये जो हमारा हमें जो मिलता है चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट, ये हमें मिलता है बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एक एसोसिएशन है, ये आपको चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप लोग ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये होता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं और वो सब आपको यहाँ पे मिलते हैं। और अगेन दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैं बस इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, इनके वेबसाइट का लिंक मैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दूंगा, आपको सारी जानकारी क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके फॉर्म भरने के लिए इसका दो तरीका है, या तो आप ऑनलाइन भर सकते हो या तो आप ऑफलाइन भर सकते हो। पहले सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन था बट अब ऑनलाइन भी हो गया है, तो दोनों ही माध्यम है। सबसे पहले देखो यहां पे भरने का बेसिकली दो तरीका है, ये इनकी वेबसाइट है, आपको सारी जानकारी यहीं पे मिल जाएगी। सबसे पहले ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है जहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो ये लिखा है मेंबरशिप। जैसे ही आप मेंबरशिप में जाते हो सबसे पहले आपको यहाँ चले जाना है बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करोगे इनके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ऑफ अ चार्टर्ड इंजीनियर या फिर इनके एसोसिएशन में मेंबरशिप लेने का, सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने खुल के आ गए हैं, हम इसी को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, आपके जो मतलब का है आप यहाँ पे चीज़ें पता कर सकते हो। और देखो यहाँ पे अप्लाई करने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे ऑनलाइन जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका जो भी लोकल शहर है, आप जिस भी शहर से या जिस भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, हर सिटी में इनका कहीं ना कहीं एक हेड ऑफिस होता है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इनके हेड ऑफिस जाके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको देखो जाना है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो फाइंड योर नियरेस्ट सेंटर, यहाँ पे जाके आपको अपने एरिया का पिन कोड टाइप कर देना है, जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है, 6 डिजिट का होता है, आपको टाइप कर देना है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके नियरेस्ट एरिया में इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा, या तो आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ये लोग आपकी हेल्प करेंगे अप्लाई करने में, या फिर आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें देखिए दो दो तरह की चीजें होती हैं,
पहले होती है कि यहाँ पे आपको इनकी एसोसिएशन में मेंबरशिप लेनी पड़ती है। फिर अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो मेंबरशिप ये इनकी लाइफ टाइम रहती है और ये पेड होती है। दिस इज नॉट अ फ्री प्रोग्राम, ये कुछ फ्री नहीं है, इसकी मेंबरशिप होती है। प्राइसिंग की हम वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ, फिर यहाँ पे आपको चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। चार्टर्ड इंजीनियर और मेंबरशिप दो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ मेंबर। अगर आप इनके यहाँ मेंबर बनते हो तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर आपको चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट चाहिए तो उससे पहले आपको यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये प्रॉपर इजाजत देता है कि आप अपना एक बिजनेस या फिर अपना एस्टैब्लिशमेंट खड़ा कर सकते हो अपने दम पे, कि आप अब आप खुद आप एज अ वैल्यूअर बन सकते हो, या फिर अगर आप देख सकते हो कि अगर आपको वैल्यूअर बनना है, या फिर अगर आपको यहाँ पे असेसर बन रहा है, या फिर अगर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो आप इस मेंबरशिप या फिर जो चार्टर्ड सर्टिफिकेट है चार्टर्ड इंजीनियर के कोड के थ्रू आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी पोस्टें होती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस एक ही है यहाँ पे, नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट देती है। पहली पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो फेलो की, दूसरी है मेंबरशिप मेंबर, तीसरी है एसोसिएट मेंबर, और वैसे ही सो ऑन बहुत सारी पोस्ट निकल के आ रही हैं। हमारे लिए जो, या फिर जो एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर होता है उसके सबसे जो काम की पोस्ट है डैट इज बीइंग अ एसोसिएट मेंबर, या फिर जिसे हम लोग AMIE भी बोलते हैं। AMIE भी यहीं से ही निकल के आया है। फ्रेशर लेवल पे आप AMIE में अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी हम बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे BE BTech मांगा गया होता है, डिप्लोमा वाले खैर यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, आप अपने सर्टिफिकेट को इम्प्रूव करवाते आप सर्टिफिकेट को इम्प्रूव करवा सकते हो और आप अपने ही नॉलेज यहाँ पे ऐसे ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए हाई यहाँ पे जो पोस्टें होती हैं रैंक आपकी बढ़ती जानी है। और थोड़ा अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ ग्रेड्स की बात हो गई है। ग्रेड्स के बाद अगर हम यहाँ पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं चार्टर्ड इंजीनियर के बारे में, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे चार्टर्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के फायदे क्या होंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू बी अ चार्टर्ड इंजीनियर? चार्टर्ड का सबसे पहले जो यहाँ पे फायदा होगा कि आप यहाँ पे वैल्यूअर या फिर लॉस असेसर की जो पोस्ट होती है वो यहाँ पे कर सकते हो। जितना जो बैंक का काम होता है या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज का जो काम होता है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होगी, आप काम कर सकते हो। उसके बदले में बैंक वाले या फिर इंश्योरेंस कंपनीज वाले आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा देंगे, ऐसे आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ठेके ले सकते हो। साफ साफ लिखा है टू विन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिविल वर्क्स फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड सिमिलर गवर्नमेंट बॉडीज। जितने भी जो सरकारी ठेके होते हैं, जो ठेके होते हैं बड़े बड़े, वो आप ले सकते हो अपने इस चार्टर्ड इंजीनियर या फिर चार्टर्ड सर्टिफिकेट के दम पे। एक इसका ये भी बेनिफिट होता है, तो जैसे मैंने कहा अगर आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इसीलिए इसके अलावा आप यहाँ पे इंडिया में या फिर बाहर भी जाके काम कर सकते हो, सेम आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये इंटरनेशनली वैलिड है, ये किसी और कंट्रीज में भी प्रॉपर काम आएगा। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ये हर एक जगह आपके यहाँ वैलिड है। बाकी आप इसकी थोड़ी बहुत और देख सकते हो। इसी के अलावा जो भी इनका जो मीटिंग होती है या फिर जो भी इनका जो सेमिनार्स होता है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, और इसी के अलावा यहाँ पे आपकी जो नॉलेज होगी वो बढ़ती जाएगी और आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के एक मेंबर कहलाओगे। ये कुछ इसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स, और जैसे मैंने बताया कि आप अपना यहाँ पे एक बिजनेस तो एस्टैब्लिश कर ही सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं बीइंग अ चार्टर्ड इंजीनियर। अब अगर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब अगर आपका कोई अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी को भी यहाँ पे मेंबरशिप दिलवा सकते हो, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, बट आप अपनी कंपनी को भी यहाँ पे खैर मेंबरशिप दिलवा सकते हो। ये खैर पूरे बेनिफिट्स होते हैं चार्टर्ड इंजीनियर के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने BE BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में,
तब आप लोग देखो यहाँ पे एलिजिबल हो, आपको जाना है मेंबरशिप में, वहां पे जाके करना है अप्लाई फॉर मेंबरशिप। जैसे ही आप अप्लाई फॉर मेंबरशिप करते हो, सबके रेट्स आपके सामने खुल के आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, AMIE के चार्जेस अलग हैं, इनकी मेंबरशिप के चार्जेस अलग हैं, और चार्टर्ड इंजीनियर के मेंबरशिप के चार्जेस अलग होते हैं। कुछ नहीं तो कुल मिला के सब 14-15 हज़ार के आसपास का यहाँ पे खर्चा होना है, क्योंकि जो आपकी मेंबरशिप है इसी का प्राइसिंग 4,189 रुपीज है। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने BE BTech कर रखा है सिविल में, तब आप लोग यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल हो। एज लिमिट यहाँ पे 21 ईयर्स मांग ली गई है मिनिमम, और यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है AMIE की पोस्ट के लिए, जहां से आपको चार्टर्ड इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं दूसरी पोस्ट होती है यहां पे MIE मेंबरशिप। ये बेसिकली आपको AMIE का जो मेंबर होता है, इसी को आपको अपग्रेड करवाना पड़ता है, और ये तब होता है जब आपके पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, और वैसे ही जब 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप उसको और ज्यादा आप फेलो यहाँ बन जाते हो, और आपकी यहाँ पे मेंबरशिप बढ़ती जाती है, आपकी रैंक यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है, और उसी के जो चार्जेस होते हैं वो आपको हर बार यहाँ पे देने पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, अगर आप अपनी मेंबरशिप अपग्रेड करवाते हो तो जो उसके चार्जेस है वो कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप अपने हिसाब से खैर देख सकते हो। अगेन, मेरा कुछ इससे मतलब नहीं है, ये चार्जेस हैं तो है, इन इस बॉडी के हैं, इट्स नॉट, मैं आपको बस एक इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूं। अब ये थोड़ी सी बात हो गई है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इसका एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको जाके अप्लाई फॉर मेंबरशिप में जाके यहाँ से आप लोग जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। यहाँ से आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, और आपको प्रॉपर पैसा निफ्टी कर देना है, या तो बैंक ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन अप्लाई करने का भी एक तरीका है। ये इसका एक ऑफलाइन फॉर्म है, जो कि मैंने इसी वेबसाइट से डाउनलोड किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप चाहे तो इसको भी भर के भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका सेंटर है नियर एरिया में, वहां पे भी जाके आप ये काम करवा सकते हैं। यहाँ पे हमें सेम चीजें थोड़ी ज्यादा डिटेल में मिल जाएंगी, इसीलिए मैं चीज आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर इस फॉर्म को भरना है, भरने के बाद भेज देना है। यहाँ पे मैं आपको जो मेन चीज दिखाना चाहता हूँ, पहले आपको ये वाला फॉर्म भरना है, ठीक है, ये वाला फॉर्म कम्प्लीटली भरना है, और इसके मतलब मैं आपको एग्जैक्टली मैं आपको रेट दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ी सी अगर हम रेट्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे मेंबरशिप लेते हो, तो मेंबरशिप का खर्चा यहाँ पे आपका 4,189 रुपीज है। इसी के अलावा यहाँ पे अगर आप मेंबरशिप और चार्टर्ड इंजीनियर दोनों लेते हो, तो चार्टर्ड इंजीनियर का यहाँ पे आपको अलग से 11,800 रुपए देना पड़ जाएगा। तो मेंबरशिप का अलग फीस है और चार्टर्ड इंजीनियरिंग के लिए अलग फीस है, और अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप खैर अपने सामने देख सकते हो, फीस खैर सब आपके सामने है। और ये जो आपकी मेंबरशिप है, ये जो चार्टर्ड इंजीनियरिंग की जो मेंबरशिप है, इट्स नॉट अ लाइफ टाइम मेंबरशिप, आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए। जो आपकी मेंबरशिप तो आपकी लाइफ टाइम रहेगी, बट जो आपका चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही वैलिड है। उस 5 साल के बाद आपको फिर से उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट देके, जो भी सम होता है वो आपको भेज के अपना सर्टिफिकेट एक्सटेंड करवाना पड़ता है, उसको वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका थोड़ा बहुत सिस्टम है, जो कि आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि आखिर फॉर्म को भरना कैसे है, या अगर कोई और दिक्कत है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये तो बात हो गई चार्टर्ड इंजीनियरिंग के बारे में। ये जो PDF है, इसका लिंक आपको डायरेक्ट है हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर इसके फायदे क्या हैं, या फिर इसके नुकसान क्या है। तो देखो, फायदे मैंने आप सबको बता दिए हैं, आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। बात कर लेते हैं नुकसान की, तो नुकसान एक ही है, दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ये हर किसी के लिए नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके जोश जोश में आके अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, चार्टर्ड इंजीनियर भी बन जाते हैं, सर्टिफिकेट भी आ जाता है, बट उसके बाद क्या,
अगर बाद है भी तो पहले थोड़े बहुत सपने देखते हैं, एक दो साल मेहनत करते भी हैं, कुछ होता नहीं है और जो उनके पैसे हैं एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग सच में सीरियस हैं कि आपको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, या फिर अगर आपका बैकग्राउंड है, आप किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर अगर मेन चीज आपके पास सपोर्टर्स हैं अच्छे जो कि इसमें आपको प्रमोट करें, तभी कहीं जाके ये चीज आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। बाकी दिस थिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। मैं मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले खुद लोग हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई कर दिया, इनरोल कर दिया, इनका सर्टिफिकेट भी आ गया, बट उसके बाद वो लोग कुछ नहीं कर पाए, ट्राई किया भी तो वो फेल हो गए, तो घुमा फिरा के कुछ हासिल वसूल हुआ नहीं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, दिस इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। अगर आप यहाँ पे सच में इंटरेस्टेड हैं तभी यहाँ पे जाइएगा, वरना इस जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके यहाँ पे अप्लाई करो ही करो, भाई आपकी अपनी मर्जी है, चाहो तो अप्लाई करो, नहीं मर्जी है तो मत करो, मेरा मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। बाकी करिएगा तो भाई अपने सोच समझ करिएगा, और इसमें खुद जाके अप्लाई करने से पहले इनके वेबसाइट पे जाके हर एक जानकारी अपने स्तर से अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। सिर्फ मेरी बातों का ही भरोसा मत करिए, अपने हिसाब से भी जो चीज़ आपको यहाँ पे पूछनी है पूछ सकते हैं। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए इनका नंबर दिया गया है, आप जाके इनको कॉल कर सकते हो और आप इनसे आपकी जो भी क्वायरीज हैं या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं आप कवर कर सकते हो, या फिर आप जो भी आपका एरिया, जो भी आपका जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो, तो वहां का जो नियरेस्ट सेंटर है आप जाके पिन कोड से पता कर सकते हो, और पिन कोड से वहां से मालूम करने के बाद आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसका फॉर्म को भरना कैसे, अगर आपको ये चीज जाननी है तो इसका फॉर्म को भरने के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप सब मुझे इंसिस्ट करोगे, मुझे कमेंट करोगे कि सर मुझे इसके लिए एक वीडियो चाहिए कि यहाँ पे आखिर अप्लाई कैसे करना है, या फिर अगर कोई और डाउट आपका छूट गया है तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, मैं उसे भी एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ आर वीडियो। कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी जो PDF है और जो इसके सारे लिंक हैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, चाहो तो जाके यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से भी सारे लिंक जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ।